हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। नमस्कार आप सभी को। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आगामी आने वाली परीक्षा UPTET और CTET 2019 के लिए, या फिर आप इसे किसी और स्टेट के TET के लिए भी पढ़ सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख सिद्धांत के बारे में, एक प्रमुख अधिगम सिद्धांत के बारे में, और वो है हमारा स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, इसे जो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या फिर ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी करके, या फिर स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इंग्लिश में भी कहते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट कर दूंगा जिससे कि आसानी से चीज़ें आपको ध्यान में रहें। वीडियो को आप लास्ट तक अगर ध्यान से देखते हो तो इस बात से मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है क्या। दोस्तों, अब इसके पहले पावलो का सिद्धांत था, ब्रूनर वगैरह का, उन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, प्लेलिस्ट आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बुरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर ने अधिगम पर आधारित एक सिद्धांत के बारे में बताया, उसका नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत करके यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। कुछ बातों को पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, BF स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही या क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, एक क्रिया प्रसूत था और दूसरा था उद्दीपन प्रसूत। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे निष्कर्ष ये निकाला इन्होंने प्रयोग करके कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है, जल्दी ही अभिप्रेरणा के बारे में हम बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन, किसी को धक्का देना, पुनर्बलित करना, रेनफोर्स करना, ये सारी चीज़ें अभिप्रेरणा में ही, उसी के कारण वही चीज़ अभिप्रेरणा ही है। किसी को आप अगर मोटिवेट कर रहे हो तो वो काम करने के लिए प्रेरित होता है, क्रियाशीलता आती है उसमें। कोई बच्चा अगर किसी भी चीज़ को सीखने में असमर्थ है या अगर वो कम सीख पा रहा है, तो ऐसे में आप उसको पुनर्बलित करते हो, उसको आप प्रेरित करते हो, एक प्रेरक तत्व की तरीके से आप काम करते हो या शिक्षक काम करता है। इससे होता क्या है कि वो बालक जो है वो सीखने के लिए फिर से अग्रसर होता है उसके लिए कि लाओ अच्छा सीखते हैं, सर जी ने इतना बोला है, कुछ तो बात है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की क्रियाओं पर इन्होंने प्रकाश डाला, एक क्रिया प्रसूत था और एक उद्दीपन प्रसूत। लिखा है, जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वह उद्दीपन पर आधारित हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध जो है किसी ज्ञात उद्दीपन से ना होकर के उत्तेजना से है। उद्दीपन मतलब उत्तेजना ही है, ध्यान दीजिएगा। उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित कर दे, एक्साइटेड आपको स्टेट में ले आए किसी भी काम को करने के लिए, आपको अभी प्रेरित कर दे कोई चीज़, समझ रहे हो आप। मैंने बताया था आपको कि जब आप बात करते हो कि एक जो दिया है उसमें जो बाती लगी होती है उसको उकसा करके आप क्या करते हो, उसकी लौ को या ज्वाला को और बढ़ा देते हो। एक उदाहरण था ऐसे में, मैंने आपको इसके पहले पिछले उसमें भी बताया हुआ है। तो इन्होंने कहा पूरी तरीके से कि जो भी संबंध है वो उत्तेजना से है। थोड़ा सा हम इनके एक्सपेरिमेंट को अभी जब हम देखेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको इनके स्किनर के जो सिद्धांत है स्किनर का, उसमें ध्यान में रखना है कि पुनर्बलन है क्या। BF स्किनर महोदय ने पुनर्बलन के बारे में ही या पुनर्बलन पर ही आधारित जो है अपना पूरा सिद्धांत बताया हुआ है। पुनर्बलन क्या होता है? पुनः बल देना। क्या होता है? पुनः बल देना किसी भी काम को लिए, किसी भी काम के लिए, ठीक है। मतलब रिइंफोर्स करना, धक्का देना किसी भी बच्चे को, ऐसे उसमें धक्का देना मतलब पढ़ाई के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के लिए। इन्होंने क्या किया, पुनर्बलन के प्रयोग का उदाहरण इन्होंने जो है वहाँ पर एक तरीके से लिया और प्रयोग किया इन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर। यहाँ पर स्किनर के प्रयोग में सबसे पहले हम चूहे पर जो इन्होंने प्रयोग किया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक खटका, ध्यान दीजिएगा, एक खटका या लीवर वाला इन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। वो बक्सा जो है साम्य विहीन और ध्वनि विहीन था, ध्वनि के ध्वनि से विहीन होना, ठीक है। बक्से का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स था। एक खटका वाला बक्सा लिया। हुआ ये, लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी,
जैसे ही चूहे का पैर पड़ता, आपको ध्यान होगा थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। बिल्ली थी वहाँ पर, बिल्ली को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया था, खटका था, बाहर भोजन रख दिया था, बिल्कुल वैसे ही देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, समझ रहे हो आप, बिल्कुल वैसा ही। बस ये है, इन्होंने पुनर्बलन को लेकर के ज़्यादा जो है महत्व दिया, उन्होंने प्रयास और त्रुटि के बारे में बात की थी। अंतर आप यही समझ सकते हो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था और जो बीएफ स्किनर महोदय का है यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला आगे कि चूहे का पैर पड़ते ही खटकी आवाज़ होती थी, इस ध्वनि को सुन करके चूहा आगे बढ़ता और प्याले में भोजन मिल जाता उसे, समझ रहे हो आप, मतलब खट की आवाज़ होती, ध्वनि को सुन करके आगे बढ़ता और उसे भोजन मिल जाता। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर प्ररोदित होता और लीवर को दबाता। प्ररोदित, उत्तेजित होना, मोटिवेट होना, जैसे ही भूखा होता, मोटिवेट होता, प्ररोदित होता, एक तरीके से उत्तेजना उसमें आता, जा करके वो खटका या लीवर को दबाता और लीवर को दबाते ही उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती थी इस प्रयोग में। और हाँ, यहाँ पर भोजन जो है वो चूहे के लिए प्रबलन का कार्य कर रहा था, प्रबलित कर रहा था वो भोजन, भाई भोजन ही जो था जो उसे धक्का दे रहा था कि आओ मेरी तरफ और मुझे खाओ, ऐसे उसमें। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के फलतः उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि अब आ जाइए व्यक्ति पर, एक मनुष्य पर, एक बालक पर। इन्होंने बोला जब बालक वांछित व्यवहार करता, वांछित मतलब जो वह चाहता है, अगर वो वह व्यवहार करता है तो व्यवहार के फल स्वरूप उसे क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। मान लीजिए अवांछित व्यवहार है, आप जिसे नहीं चाहते, ठीक है, मान लीजिए आपको कबड्डी खेलना नहीं आता, समझ रहे हो आप, आपको कबड्डी खेलना नहीं आता और आप जा करके कबड्डी खेलने लगे, फिर क्या होगा, सफलता ऐसे में मिलेगी क्या, गलती से आ गया जो है तो आ गया, नहीं तो हो सकता है आपको चोट लग जाए। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। यहाँ पर जो वांछित व्यवहार है, अगर आप जानते हो कि बैडमिंटन खेलना कितनी अच्छी तरीके से है, आप जानते हो, आपको पता है, वो आपका एक डिज़ायर्ड जो है बिहेवियर है, तो आप जाओगे बैडमिंटन खेलोगे और आपको पुरस्कार भी मिलेगा, आप जीतोगे, आपको पुरस्कार मिलेगा। लिखा है सभी व्यवहारों में से वांछित व्यवहार का चयन ही सीखना है। बहुत सारे व्यवहार होते हैं, व्यवहार मतलब किसी भी काम को करना, ऐसे उसमें आपका व्यवहार, आपका मन करता है कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, सारी चीज़ें, लेकिन आप जिस चीज़ को चाहते हो, आप क्या चाहते थे कि चलो ठीक है हम एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, हम आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसे में क्या है, अगर वो चीज़ अब वांछित एक दिमाग में आता है, बीटीसी आप कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आता है वो चीज़ कि चलो ठीक है वो अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात, लेकिन वांछित व्यवहार जब आप करते हो, आप जब बीटीसी डीएलएड कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है टीचिंग और सारी उसमें, तो आप वहां से चीज़ों को सीखोगे और पुरस्कृत भी होगे। अब गलती से आईएएस का फॉर्म भर देने से आप आईएएस का थोड़े ना बन जाओगे ऐसे उसमें, फिर आपको उसमें लगना पड़ेगा, आपका एक होना चाहिए जो इच्छा वाली जो बात है वो होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये बस एग्जांपल्स ऐसे ही थे आपके, आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन, उद्दीपन कौन काम कर रहा था, भोजन, उद्दीपन अगर मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। आपको अगर कोई धक्का देता है, आप पढ़ाई में थोड़ा सा भी ढीले हैं, आपके टीचर ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 22/30 आज सही करने हैं। क्या बोलता हूँ मैं कि 22/30 मॉक टेस्ट में आज आपको सही करने हैं, मिनिमम 22। जब नहीं सही कर पाते हो तो मेरा जवाब वहाँ पर मेरा क्या होता है, एक तरीके से जो प्रतिक्रिया है, कोई बात नहीं, आज 22 से कम है तो कल आप 22 पर पहुँचोगे। ये पुनर्बलन का काम करता है, ये रीइन्फोर्समेंट का काम करता है कि जो 22 से 21 अगर जिनका सही हुआ है, 18-15 सही हुआ है, तो वो डीमोटिवेट ना हो, कल को उनका भी दिन आएगा जी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपका क्रिया शक्ति में वृद्धि करते हैं। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि हर एक जब रीइन्फोर्समेंट की आप बात करते हो पुनर्बलन की, वो खटका उसे, वो भोजन उसे पुनर्बलित करता था, उस चूहे को खटके पर वो पैर पड़ते ही भोजन की प्राप्ति होती थी, उसे रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आपको अगर मैंने बोला, मैंने पूरी तरीके से लिख दिया, देखो भैया 22 नहीं सर का सही कर पाया हो तो आप जो है भावी शिक्षक नहीं बन पाओगे, सहायक अध्यापक का एक पद गया, ऐसे में आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आप 22 सही कर ले जाओगे, आप अनुक्रिया, आप रेस्पॉन्स फिर से अच्छा दोगे, कल फिर से आप क्लास ज्वाइन करोगे और अच्छा करने की कोशिश करोगे, ये सबसे रियल लाइफ, रियल टाइम, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है आपका। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, बात कर लेते हैं।
इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, वहाँ से आप लगा सकते हो। उद्दीपन पर नियंत्रण कर शिक्षक वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं, ये पॉइंट भी यहाँ से आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, वांछित व्यवहार वाली बात है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इस क्रिया में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में बांट लिया जाता है, बहुत भारी कोई प्रोसेस है, छोटे छोटे पदों में बांट करके फिर आप काम करते हो। चौथा पॉइंट है, स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, और यह संतोष जो है वो क्रिया को बल प्रदान करता है। आप सफल होगे तो आप संतोष प्राप्त होगी, ना संतोष की प्राप्ति, फेल हो जाते हो तो असंतोष की प्राप्ति होती है। ओके, और जब संतोष की प्राप्ति होगी, सफलता मिली है, फिर से और अच्छा करने की सोचोगे, पुनर्बलन को यह बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास, समझ रहे हो आप, फिर से ज़्यादा अभ्यास करना। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले व मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अरे भाई, इतना सिद्धांत थ्योरी पढ़ रहे हो, कहाँ काम आएंगी ये सब? वो सब यही काम आ रही हैं जो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। दैनिक व्यवहार में इस सिद्धांत का बहुतायत उपयोग करते हैं। जब आप दैनिक व्यवहार की बात करते हो ऐसे उसमें, और इसमें आप यूज़ कर रहे होते हो, मंदबुद्धि बालकों हेतु काफ़ी उपयोगी है ये। बार बार उन्हें चीज़ों को बताना, पुनर्बलित करना, वो फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये बात हो गई आपकी। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो कबूतर पर इन्होंने किया था। लिखा है, बॉक्स में कबूतर शांत बैठा रहता है, कुछ समय पश्चात प्रकाश जलता है, रंग लाल होता है और उसे भोजन की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो आप, इन्होंने कुछ ऐसा किया, प्रकाश का रंग, प्रकाश जल रहा था, रंग जैसे ही लाल हुआ उसे भोजन की प्राप्ति हुई। हरे रंग के जलने पर भोजन नहीं मिलता था। कबूतर को इस चीज़ का एहसास हो गया, वो समझ गया कि भैया लाल बत्ती जैसे ही जलेगी हमको भोजन मिलेगा और हरे भोजन हरे पर नहीं मिलेगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राणी ने क्रिया और प्रसूत रूप में दो प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। अनुक्रिया प्रसूत रूप में दो प्रकार का व्यवहार मिलता है, और यहाँ पर क्रिया प्रसूत का संबंध उस व्यवहार से है जो क्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होती है। देखिए, सिंपल सा ओवरऑल जो निष्कर्ष वाली बात है उसको मैं बताता हूँ। पुनर्बलन ही अनुक्रिया के लिए प्रेरित करती है। पुनर्बलित हुआ, उसे समझ में आया कि ये वाली बत्ती जलेगी तो भोजन मिलेगा, ये वाली जलेगी तो नहीं मिलेगा। चूहे के ऊपर जब था, बिल्कुल से खटका दबा तो भोजन की प्राप्ति होगी, पक्का था उसे, खटका नहीं दबेगा तो भोजन तब तक नहीं मिलेगा उसे। ये निकल के आता है जब आप बात करते हो बर्हस्ट फ्रेडरिक स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आशा करते हैं आपको ये सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी ही हम अपने CDB वाले जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी ही, और उसके बाद हम अपना जो EVS वाला सेक्शन है और इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में बने रहिए। उर्दू का नया लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज ही आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।